सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं पनीर बिरयानी। हैदराबादी पनीर बिरयानी खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बनाने में आसान है। फ्रेंड्स, आप जब चाहें तब बना सकते हैं और बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर बिरयानी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल करके बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहें तो चाकू से काट लें या चॉपर में भी कट कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज कलर चेंज करने लगे हैं। अभी हमें इसे और ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने गोल्डन करे हुए प्याज को बाउल में निकाल लिया है, ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले मिलाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच हरा धनिया पाउडर डाल देंगे और 3 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी मसाले दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर लिया है बारीक कटा हुआ, इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने पनीर को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, सूखा हुआ बारीक पिसा हुआ मैंने पुदीना डाल दिया है। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आइए सेकंड स्टेप में हम राइस तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप हम तैयार करते हैं। इसमें देखिए, मैंने एक कटोरी बासमती राइस अच्छे से धो करके भिगो दिए थे और अब हम पानी बॉईल होने रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो किसी भगोने में भी रख सकते हैं। इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। पानी को बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल होने लग गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। हमें 3 से 4 मिनट के लिए चावलों को अच्छे से बॉईल होने देना है, ढक्कन नहीं लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, चावल बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी में से चावलों को हम अलग किसी बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप तैयार कर लिया है। अब हमारा आखिरी स्टेप है थर्ड स्टेप, जिसमें हम किसी भी पैन में, कुकर में, कढ़ाई में, जो भी आप पसंद करते हैं, और रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1 जीरा डाल देंगे। इसमें फ्रेंड्स, मैंने खड़े मसाले यूज में लिए हैं, 2 तेज पत्ते,
थोड़ी सी दालचीनी, 3-4 लौंग, आठ दस काली मिर्ची और छोटी इलायची। आप किसी भी क्वांटिटी में छोटी इलायची डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 छोटी इलायची यूज में ली हैं। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है फ्रेंड्स। प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हमने एक प्याज यहाँ पे यूज में लिया है। बहुत अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स प्याज बहुत अच्छे से भुन चुका है। एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पनीर बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज में नहीं लेंगे। आइए फ्रेंड्स मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी। सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स चीनी अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, बाकी टेस्ट में बहुत बढ़िया लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी यूज़ में ली है। 1/2 चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला पाउडर भी यूज़ में लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स 1/2 कप अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने जो पेस्ट तैयार किया है इसमें अब हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पानी बॉईल हो गया है, मसाले पक भी गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे बारीक कटा हुआ। आइए फ्रेंड्स अब हम इसमें 1 लेयर चावल की लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 1 लेयर तो हमारे मसाले की हो गई है, दूसरी लेयर हम इसमें चावल की लगा देंगे। हमें मिक्स नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने 1 लेयर इसमें चावल की लगा दी है, अब हम 1 लेयर जो हमने पनीर का मसाला तैयार किया था उसकी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने पनीर के मसाले की लेयर बहुत अच्छे से लगा दी है, अब हम वापस 1 लेयर चावल की लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी स्टेप्स ऑलमोस्ट हो गई हैं, हमने लास्ट लेयर पनीर की भी लगा दी है। अब हम इस पे थोड़े से काजू लगा देंगे, मैंने यहाँ पे पीसेस किए हुए हैं काजू के, आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने काजू भी लगा दिए हैं, अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने काजू भी अच्छे से लगा दिए हैं, अब हम इसमें 1/4 कप पानी का और डाल देंगे, मैंने बिल्कुल सेंटर में से डाला है, और कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। फ्रेंड्स गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है। 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर सीटी आने पर हम इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स कुकर में सीटी आ गई है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कम से कम हम 15 से 20 मिनट बाद कुकर को खोलेंगे। फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बिरयानी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप अगर मिक्स नहीं करना चाहते हैं
तो इसको साइड से इस तरह से निकाल भी सकते हैं, इस तरह से निकाल करके सर्व कर सकते हैं। बाकी इसको मिक्स करने से सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और टेस्ट भी प्रॉपर आ जाएगा। देखिए लुकिंग में ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हमने पनीर बिरयानी को सर्व भी कर दिया है। अब आप ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।